हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास एक एंड्रॉयड या स्मार्टफोन है उसमें अगर स्क्रीन फिंगरप्रिंट लॉक अगर नहीं है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि खुद से स्क्रीन फिंगरप्रिंट लॉक आप किस प्रकार से लगा सकते हो। दोस्तों आपने देखा होगा कई एक मोबाइल में जो उनके फ़ोन में स्क्रीन पर एक फिंगरप्रिंट लॉक होता है जिसे हम फिंगर से खोलते हैं यानी उंगली से खोलते हैं। अगर दोस्तों आपके पास स्क्रीन फिंगरप्रिंट लॉक नहीं है तो आप खुद से अपने फ़ोन के अंदर किस प्रकार से उस लॉक को सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, मैं इस वीडियो के द्वारा आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। अगर दोस्तों ये ट्रिक आपको 100% वर्क करती है तभी आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वरना अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो को अगर आपसे ज़्यादा यह वीडियो आपको लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण लगे तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और एक प्यारा सा अपना कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप अपने फ़ोन में होम स्क्रीन में फिंगरप्रिंट लॉक को लगाने के लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। वो एप्लीकेशन बहुत ही छोटा है, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और कहाँ से डाउनलोड होगा, क्या उस एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है, तो वो हम आगे वीडियो के बता देंगे। तो सबसे पहले उस एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या क्या प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी वो हम चलिए बता देते हैं। तो उस एप्लीकेशन को हम कर लेते हैं पहले ओपन। जैसे दोस्तों हम इसको करते हैं ओपन तो कुछ इस प्रकार का आता है इंटरफेस। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन को ओपन करते समय एक इसमें ऐड आ सकता है, ठीक है, तो उस ऐड को आपको कट कर देना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस एप्लीकेशन में ओपन करने से पहले आपको जो फिंगरप्रिंट का इमेज होता है एक इमेज आपको डाउनलोड करके रख लेना है पहले से ही, ठीक है। तो उस इमेज को आप पहले ही सिंपल से डाउनलोड कर लेना, आपको ब्राउजर जिस ब्राउजर से करना चाहें वहाँ से कर लेना। अब उसके बाद आपको गैलरी कैमरे पर आना है। कैमरे पर आने के बाद इस एप्लीकेशन को कुछ परमिशन देना है, ठीक है। तो चलिए इस एप्लीकेशन की हम कुछ परमिशन दे देते हैं। इसको परमिशन मांग रहा है तो इसको हमने परमिशन अलाउ कर दिया है। अब जैसे ही दोस्तों हम आते हैं कैमरे पर, ठीक है, तो जैसे कैमरे पे हम पहुंच जाते हैं, चलिए बताते हैं अभी आपको। अब जैसे कैमरे पे आते आने के बाद उस एप्लीकेशन को जो हमने आपको बताया था, उस जो इमेज का है, जो इमेज बताया था मैंने फिंगरप्रिंट का, ठीक है, तो उसको सिंपल सी हमें ओपन कर लेना है। तो चलिए कौन सा इमेज है और कहाँ पर है उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो इस इमेज को हमने ओपन कर लिया। करने के बाद अब दोस्तों आपको कर देना है डन। डन करने के बाद दोस्तों अब यहाँ से हम आपको बताते हैं, यहाँ पर जो फिंगर आप लगाना चाहते हो वो फिंगर आपको अपनी यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने एक बार सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे दो बार, वैसे आप लोग चार बार यहाँ पे आप लगा सकते हो लेकिन हमने यहाँ पे सिंपल सी दो बार कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नेक्स्ट का, ये नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड भी कर देना है क्योंकि आप दोबारा किससे जो फिंगर आपने लगाया था वो आप दोबारा किससे यहाँ पर लगा सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हमने दो बार लगा दिया, अब कर देना है यहाँ पर आपको नेक्स्ट। जैसे फ्रेंड आप यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हो उसके बाद आपको सेट ए न्यू पिन डालना है। तो चलिए यहाँ पर पिन डाल देते हैं। पिन डालने के बाद आपको इसको भी कंफर्म कर देना है। अब करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को, जैसे आपका किस चीज़ में आपका फेवरेट चीज़ है तो फेवरेट चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपकी फेवरेट चीज़ है वो आप यहाँ से सिंपल सी लिख सकते हो। तो चलिए उस चीज़ को हमने यहाँ पर लिख दिया, अब कर देना है आपको सबमिट। अब सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कौन सी डिज़ाइन में आपको फिंगरप्रिंट को रखना है, ठीक है, तो चलिए हम इस डिज़ाइन में इसको कर देते हैं वो आप यहाँ से सिंपल सी देख सकते हो। अब इस पर कर देना है आपको यस। यस करने के बाद आपका जो चीज़ है वो यहाँ से आपका आराम से लग गया है। अब आपको हम दिखाते हैं किस प्रकार से लगा है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमारा फिंगर स्क्रीन जो सफलतापूर्वक लॉक गया है वो हमारे यहाँ पर लग चुका है। अब दोस्तों हम इसको सिंपल सी ओपन करके आपको दिखाते हैं क्योंकि अभी हमने इस फोन को ऑफ किया। ऑफ करने के बाद जिसे ओपन करते हैं, अब यहाँ से देखिए हम अपना वही फिंगर लगाएंगे जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया था। तो देखिए यहाँ पर एक बार हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, कर लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने फ़ोन की स्क्रीन में फिंगर लॉक लगा सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है और आप इसका पूरा ही पूरा फायदा भी उठा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आप अपने फ़ोन में एक बार इसको आजमा के देख लेना, ये 100% वर्क करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने फ़ोन में फिंगर स्क्रीन लॉक को आप लगा सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताया है। अब दोस्तों मैं बता देते हैं उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है। आप यहाँ से डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है, ठीक है, तो वो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सर्च का, तो इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं, अब देखिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन का नाम है टच लॉक स्क्रीन, ठीक है, तो इस टच लॉक स्क्रीन एप्लीकेशन का नाम है, इसको आप इंस्टॉल यहाँ से सिंपल सी कर सकते हो। अब दोस्तों अगर वीडियो में आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली हो, अगर इस ट्रिक्स आपको अगर वर्क रही है आपके फ़ोन में तो हमें प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद, वंदे मातरम।